हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। क्या भी आप भी किसी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे में इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह आप अपने नॉर्मली स्मार्टफोन से वीडियो शूट करके और उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में, मैं यहाँ पे वीडियो का अपना बैकग्राउंड चेंज कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं चाहूँ तो अपनी वीडियो की बैकग्राउंड में कोई भी फोटो, कोई भी बैकग्राउंड वीडियो यूज कर पाऊंगा। तो ऐसे अगर आप भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बंद कर लीजिएगा। सबसे पहले गाइस यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे जिस वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करके आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने वीडियो शूट करने के लिए बैकग्राउंड में भैया ग्रीन पर्दे का यूज किया हुआ हूँ। आप चाहे तो भी आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड में ग्रीन रंग का कोई पर्दा, चाहे आप चाहे तो ब्लू रंग का कोई पर्दा आपके पास कपड़ा है तो उसको कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। और यहाँ पे गाइस अगर आप कोई ऐसी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं जिसके बैकग्राउंड में कि ये ग्रीन स्क्रीन ब्लू रंग का कोई पर्दा वगैरह नहीं है, कोई और बैकग्राउंड ऑथर चीज है, तो आप वो नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरह किसी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर पाएंगे। तो ऐसे में इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से एक पर्दा लेना होगा ग्रीन रंग का, भी या कपड़ा एक आपको मार्केट से मिल जाएगी कपड़े की दुकान से आराम से, भी या 100 से 200 के बीच। और आप चाहे तो भी आपका जो दीवार है भैया जिसके आगे आप खड़ा होकर वीडियो शूट करें उसके भी हरे रंग से इसको कलर करा सकते हैं, नहीं तो ये भैया पर्दा ले लेंगे, पर्दा आप जहां मर्जी लगा सकते हैं। एक बात बता दूं, आप जब कपड़ा लेने जाएंगे तो आप अपने फोन में जो ग्रीन रंग का जैसा कि हम जो रिमूव कर पाते हैं कलर उसको लेके जाइएगा, तभी आप जो कलर है उसको मैच करके कपड़ा ले पाएंगे, नहीं तो आपको कोई और कलर मिल जाएगा। और इसके साथ ही भैया हमको चाहिए एक छोटी सी ये जो क्या हैम्बर, और इसके साथ चाहिए 2-4 गट्टियां जिसके सहारे हम भैया इस पर्दे को लगाएंगे दीवार के साथ। तो चलिए मैं पर्दा लगा के दिखाता हूँ कि कैसे इसको लगाएंगे। इस तरह से चाहिए आपको गट्टियां और ये जो है एक हैम्बर कहीं पे भी मिल जाती है 2-4 रुपए। सही है, कोई नहीं कोई नहीं, सही है सही है, इना को आता नहीं बेच नहीं आता। कुछ आपको इस तरह से पर्दा लगा लेना है दीवार के साथ, जैसे कि आप देखेंगे तो ऊपर ये जो दीवार है भैया इसका कोई और कलर है, और नीचे से देखेंगे तो ये पर्दा लग के हमारा जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार हो चुका है। और यहाँ से हम करेंगे अभी वीडियो शूट और आपको दिखाएंगे कि आप किस तरह इसका बैकग्राउंड है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस देखेंगे अब पर्दा कुछ इस तरह से आपका लग के तैयार हो जाएगा और यहाँ पे आप जो मर्जी वीडियो शूट कर सकते हैं भैया। और उसके बाद आप काइंड मास्टर से उसका जो बैकग्राउंड है उसको आप रिमूव कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे कि आप किस तरह किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर पाएंगे। तो आपको भी कुछ इस तरह से पर्दा लगाना होगा और यहाँ पे आप देखेंगे अब कोई भी पिक वगैरह, कोई भी वीडियो, कोई भी इमेज वगैरह आप बैकग्राउंड में लगा सकते थे। तो चलिए देखते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे कि आप कैसे बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो गाइस आपको वीडियो शूट करने के बाद आपको अपने फोन में काइंड मास्टर ऐप को ओपन करना है। अगर आपके पास ओरिजिनल काइंड मास्टर ऐप नहीं है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। और काइंड मास्टर ऐप ओपन करने के बाद गाइस प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको साइज सेलेक्ट कर लेना है। और साइज सेलेक्ट करने के बाद मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे और मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने उस वीडियो को इनपुट करना है जिस वीडियो को आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं। आप चाहे तो यहाँ से कोई इमेज वगैरह भी ले सकते हैं आप बैकग्राउंड में। मैं फिलहाल यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड वीडियो डाउनलोड करके रखा हूँ, उसको इनपुट कर लिया हूँ। और गाइस एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपके वीडियो के ऊपर काइंड मास्टर ऐप का वाटरमार्क आ रहा है तो मैंने एक पहले वीडियो बनाया हूँ कि आप ओरिजिनल काइंड मास्टर ऐप का कैसे वाटरमार्क फ्री में रिमूव कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो आप गाइस कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड वीडियो इनपुट कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कोई इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं। और बैकग्राउंड इमेज चाहे वीडियो इन करने के बाद गाइस आपको लेयर के ऊपर क्लिक करना है और मीडिया के ऊपर क्लिक करके आपको इस वीडियो उस वीडियो को इनपुट कर लेनी है जिसको कि आपने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड किया था। जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी एक वीडियो इनपुट करके दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ से इसको चाहे तो फुल स्क्रीन में भी कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस अगर कोई इसका एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसके यहाँ से हम वीडियो के ऊपर क्लिक करके और ड्रीम टू लेफ्ट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से मैं लेके आऊंगा इसको स्टार्टिंग में, और जो भी यह बैकग्राउंड एक्स्ट्रा की पार्ट है उसको मैं कट करके और छोटा सा वीडियो एडिट करके मैं आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप प्रॉपरली सीख भी जाए।
तो यहाँ पे देखेंगे मैंने सभी बैकग्राउंड को काट काट के छोटा सा कर लिया हूँ और यहाँ पे मात्र हमारी 30 सेकंड की वीडियो बनने वाली है। और ये जो हमारी वीडियो भैया लेयर में जो लिया हूँ ग्रीन सक्रिय लाइट्स को भी काट के मैं बराबर कर ही लेता हूँ। तो फिलहाल ये हो चुका है और उसके बाद गाइस हमने लेयर जो वीडियो हमारी ग्रीन स्क्रीन में है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा भैया क्रोमा क्यों का, तो हमें क्रोमा क्यों वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको कर देना है इनेबल। और जैसे ही हम इनेबल करेंगे तो हमारी वीडियो के बैकग्राउंड में जो भी ग्रीन पर्दा होगा वो रिमूव हो जाएगा। अगर भी आपका ग्रीन पर्दा थोड़ा बहुत रह रहा है तो आप यहां से इसका जो एडजस्टमेंट करने के लिए हमें ऑप्शन दिया गया है इसको एडजस्ट करके और आप इसको बिल्कुल ही रिमूव कर सकते हैं। और कई बार भैया होता क्या है यहां पे एक आपको देखेंगे तो क्यू कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर कई बार जो ऑटोमेटिक ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट नहीं होता है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे आप प्रॉपरली आपका जो वीडियो का बैकग्राउंड ग्रीन पर्दा है उसको रिमूव कर पाएंगे। तो आप यहां से देखेंगे बहुत ही कमाल की वीडियो भी बन चुकी है। मैं चाहूं तो आप खुली बलैती बॉलीवुड तेरा फिगर जग मेरा गया तेरे आगे पीछे बिखर सुनी मैं मरूं कैसे तेरे बिना जिगर चलूं लेकर तुझे जहां कहे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे गाइस बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैंने इस वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर लिया हूं। तो इसके लिए एक स्पेशल लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी है ये वीडियो। लाइक चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वन कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।